हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CCS एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड जो हमारा लेसन चल रहा था, लेसन सेकंड, उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है पार्टनरशिप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप का जो मेन मकसद था वो क्या था? जो सोल प्रोप्राइटरशिप था, सोल प्रोप्राइटरशिप हमने आपको पढ़ा दिया है, जहाँ पर एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है। तो जो सोल प्रोप्राइटर था उसके जो प्रॉब्लम्स जो आ रहे थे, उसे कैसे कैसे प्रॉब्लम आ रही थी, अकेले मैनेज करने में दिक्कत हो रहा था, कैपिटल की दिक्कत हो रही थी, तो इन सारे प्रॉब्लम्स से उबरने के लिए पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस आया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है? इसकी डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है, द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन है लास्ट वाला। देखिए, कोई भी दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, वो लोग आते हैं एक साथ काम करने के लिए, और इनका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट को बांटना। ठीक है, इसमें मिनिमम दो होते हैं, मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट लाइन है ना, इसका मतलब समझिएगा, कैरी ऑन बाय ऑल। तो यहाँ पर जो 50 के 50 मेंबर है, कई बार ये सारे के सारे मिलकर काम करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, सारे नहीं काम करते, कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते, कुछ बोलते हैं ये लो मेरा कैपिटल, हम पैसा दे रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे। तो ऐसे भी पार्टनर होते हैं। तो इस अलग अलग जो टाइप के पार्टनर है उनके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब बात करें हम लोग सबसे पहले फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या है? फॉर्मेशन। तो देखो, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है। लोगों के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है? लॉफुल बिजनेस के लिए एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और ये एग्रीमेंट ओरल या रिटन दोनों तरीके से हो सकता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं। ऐसे नहीं कि आप चोरी करने जा रहे हो तो दो पार्टनर हो गए और दोनों पार्टनर में डिसाइड हो गया कि दो पार्टनर हम दोनों जाएंगे चोरी करने, और वहाँ पर जितना बटेगा दोनों में आधा आधा, जो है हम लोग को जो भी मिलेगा उसका आधा आधा करेंगे। और मान लो कोई नहीं दिया तो आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, देखो हम दोनों पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए थे चोरी करने का और ये बंदा हमें नहीं दिया, तो ये चीज़ नहीं होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। यहाँ पर लॉफुल एक्टिविटीज़ जो है वही इंक्लूड की जाएगी, जो कोई लॉफुल बिजनेस हुआ, आप कोई बिजनेस चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, जो भी चीज़ है, उसका जो एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, ये दो तरह से हो सकता है। या तो आप ऐसे जवान से बोल सकते हो, यार हम दोनों में पार्टनरशिप होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओरल। और कई बार आप लोग जो है पेपर में लिख के एग्रीमेंट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिटन। तो दो व्यक्तियों के बीच में जो है, कम से कम दो व्यक्ति, मैक्सिमम तो हमने आपको बताया 50, तो कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, फॉर अ लॉफुल बिजनेस। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग पर्पज़ के लिए हो रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप दोनों मिल, दो लोग आ रहे हैं चैरिटी पर्पज़ के लिए, चले समाज सेवा करने के लिए अगर कोई शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है पार्टनरशिप नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए आप जो है NPO खोलते हो, तो वो हम लोग आगे 12th में पढ़ेंगे। तो इतना जान लीजिए कि पार्टनरशिप जो है वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए नहीं होता है। अगला है लाइबिलिटी। देखिए, लाइबिलिटी जो है हर एक पार्टनर का अनलिमिटेड होता है। कहने का मतलब है कि जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि कल के डेट में अगर बिजनेस को घाटा हुआ तो वो जो मालिक है उसे अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, इसी तरह से इसमें भी, पार्टनरशिप में भी, जब अगर बिजनेस घाटे में जा रहा है तो ऐसे केस में जो पार्टनर्स है वो उन्हें अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लाइबिलिटी का मतलब देनदारी। ठीक है, तो जितना देनदारी होगा बाहर से, जितना लिया, सबको उन्हें पे करना पड़ेगा। तो कई बार जो है पार्टनर्स को अपनी प्रॉपर्टी तक, पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ जाती है बिजनेस के लोन्स को पे करने के लिए। अगला है रिस्क बेयरिंग। तो जो भी रिस्क हो रहा है, हमने जैसे बताया कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ऐसे केस में सारे रिस्क जो फैक्टर है ये किस पर होता है? सारे पार्टनर्स के बीच में। तो यही चीज़ बोलता है, ऑल द रिस्क ऑफ लॉसेस इज शेयर बाय द पार्टनर्स एज दे आर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर जो बंदा जितना प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट कैसे डिसाइड होगा? कई पार्टनरशिप में अलग अलग होता है, जैसे कई बार सबको बराबर प्रॉफिट मिलेगा होता है, कई लोग अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग होता है, जिसने जितना ज़्यादा कैपिटल लगाया उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो रिस्क जो है फैक्टर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर होगा। ठीक है, जिसको जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उतना ही वो रिस्क भी बियर करेगा। ठीक है, उसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर बेसिकली डिसीजन जो है
सारे पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसर्न पर ही होगा, मतलब सब पार्टनर एग्री होंगे कि हम ये काम करना है तो तब जाके काम होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टनर चाहेगा कि काम हो जाए तो ना नहीं हो पाएगा। जैसे हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखा था, वहाँ पर कर्ता जो चाहता है वही बाकी लोग को करना होता है। सोल प्रोप्राइटर में भी देखा था एक पर्सन जो चाहता है वही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबकी राय लेनी जरूरी है। अगला है कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, अ पार्टनरशिप इज प्योरली अ पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स, हेंस इट लैक कंटिन्यूटी। तो देखो, पार्टनरशिप किसके बीच में होता है, व्यक्तियों के बीच में। तो अगर मान लो आप और आपके दोस्त के बीच में, मतलब दोस्त के किसी और पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, और मान लो वो पर्सन जो है वही एक्सपायर कर गया, वही पर्सन जो है एक्सपायर कर गया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके बीच में पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने जो पार्टनरशिप किया है वो किसके बीच में किया है, आपने किसी पर्सन से किया, और अगर वो पर्सन ही नहीं रहा तो ऐसे केस में वो पार्टनरशिप बिजनेस तो चलेगा नहीं। तो वही चीज़ बोलता है, पार्टनरशिप इज प्योरली अ पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो मेंबर पर ही सारी चीज़ टिकी हुई है, अगर मेंबर की मौत होगी तो पार्टनरशिप जो है वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है, जैसे जो है पार्टनर, ऐसा नहीं कि एक पार्टनर चला गया कोई और पार्टनर आ जाएगा, अगर कोई और पार्टनर आया तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, अगर एक की मौत के बाद दूसरा पार्टनर आया तो ऐसे केस में नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगी, पुरानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मेंबर्स हमने आपको बताया पहले, कम से कम दो, मैक्सिमम 50 होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 100, सब्जेक्ट द नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, एट प्रेजेंट इट इज लिमिटेड टू 50 बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सरकार के द्वारा इस समय कितना मेंबर की अनुमति दी गई है, 50 की, ठीक है। उसके बाद जो है आपके अगला है म्यूचुअल एजेंसी। तो ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर एज वेल एज द फर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी मतलब हर पार्टनर जो होता है फर्म का एजेंट होता है, मतलब हर पार्टनर जो है वो क्या करता है, फर्म के अपलिफ्टमेंट में अपना योगदान देता है। तो इसलिए बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, मतलब सब मिल के जो है फर्म को चलाते हैं। सोल प्रोप्राइटर में क्या था, वहाँ एक ही बंदा था वही फर्म को चला रहा था, यहाँ पर क्या, सब पार्टनर एक दूसरे की सहायता से म्यूचुअली हेल्प करके एक दूसरे को बिजनेस को चलाते हैं, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अब हम बात करेंगे कुछ मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, इसकी अच्छाइयाँ। ये तो हमने फीचर पढ़ा, अब अच्छाइयाँ क्या क्या है, ईजी फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। देखिए, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, आपको ऐसा नहीं कि सरकार के पास जाके कोई परमिशन लेना पड़ेगा, आपको सिंपली दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, एक पेपर में साइन हो गया तो हो गया, नहीं होता ऐसे ही आप लोग बोलिए चलो हम लोग पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो इसका सबसे पहला क्या है, ईजी फॉर्मेशन, बहुत आसानी से फॉर्मेशन होता है। अगला है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि यहाँ पर दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं, ऐसे केस में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में एक बैलेंस होता है। ऐसे नहीं कि जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या था, एक ही बंदा था और उसने जो भी डिसीजन ले लिया, मान लो गलत हो गया, अब वो तो फंस गया। वहाँ पे क्या, एक ही बंदा जो है उसी को डिसीजन लेना था, जो करना है गलत सही जो ही वही करेगा। अब यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप है, यहाँ पर दो से ज़्यादा मेंबर है। अब जब कई सारे मेंबर होते हैं, जैसे अगर आपकी फैमिली की बात करें तो आपके फैमिली में अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो क्या होता है, आपके मम्मी पापा दादाजी दादी सब मिलकर बैठ के लेते हैं। क्यों इतने लोग लेते हैं, जब सबकी राय होती है, मतलब सबकी अलग अलग राय होती है, उन सब में से जो अच्छी अच्छी चीज़ें एक साथ मिला के तब हम लोग फैमिली में कोई एक डिसीजन लिया जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूशल जब डिसीजन होता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है पार्टनरशिप में, क्या होता है, एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग हो पाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अगला है मोर फन, चूँकि यहाँ पर कई मेंबर है, मतलब कई नसल 2 से 50 के करीब, तो ऐसे केस में फंड बहुत हो जाते हैं पैसे। सोल प्रोप्राइटर में याद है आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप है, वहाँ पे क्या था, एक ही पार्टनर हुआ करता था, सोल प्रोप्राइटर में एक ही पार्टनर हुआ करता था। अब जब एक ही पार्टनर हुआ करता था तो ऐसे केस में फंड की दिक्कत होती थी, मतलब एक बंदा जितना पैसा लेके आ रहा है बस उतना है, मतलब अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 2 से 50 तक लोग हैं, अब ऐसे केस में सब अपने अपने पास से फंड लेके आएंगे, तो कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर फंड बहुत ज़्यादा रेस हो जाता है एज कैपिटल। अगला है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब यहाँ पर वही चीज़ है, जब सोल प्रोप्राइटर से कंपेयर करें तो वहाँ पर एक ही बंदा था, उसी को रिस्क लेना था, उसी को लाइबिलिटी उसी पर सारी हो जाती थी, बड़ा रिस्क टेंशन में रहता था। यहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या किया, 2 से ज़्यादा लोग को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया, तो वो कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस हो गया, पार्टनरशिप का। और जब 2 से ज़्यादा लोग हो गए तो लॉसेस भी सब एक साथ झेलेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, रिस्क भी सब एक साथ झेलेंगे, कोई
रिस्क आ गया बिजनेस के ऊपर, कोई मतलब अनसर्टिनिटीज की वजह से आप जानते हो कई सारे रिस्क आते हैं, जैसे कोरोना आ गया, अब इसकी वजह से बिजनेस तो लॉस में चल रहा होगा कई लोगों का। अब ऐसे केस में क्या होगा कि जो पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस है वहाँ पे क्या सारे पार्टनर जो है रिस्क बेयर करेंगे, जो सारे पार्टनर जो है लॉस बेयर करेंगे। ऐसे केस में किसी एक पर्सन पर सारा बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिड्यूसेस द एनेक्सिटी बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर। तो सब पर नहीं होगा, यार लगेगा चलो इतने लोग हमारे साथ हैं और हम लोग मिलके इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अगला है सीक्रेसी कैन बी मेंटेन। सीक्रेसी कैन बी मेंटेन में क्या है, नो लीगल रिक्वायरमेंट टू पब्लिश इट्स अकाउंट एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पब्लिक में जाके अपने अकाउंट्स को शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे केस में सीक्रेसी मेंटेन रहता है, ऐसे आपको नहीं बताना पड़ेगा पब्लिक में जाके कि हमने रॉ मटेरियल कितना मिला, प्रोडक्ट कितना में बनाया, प्रॉफिट कितना अर्न किया, तो मतलब इसके बारे में आपको बताना नहीं पड़ता। तो ऐसे केस में क्या होता है, सीक्रेसी आपकी कंपनी की मेंटेन होती है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखता है, नो लीगल रिक्वायरमेंट टू पब्लिश इट्स अकाउंट एंड रिपोर्ट। तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंपनी जो है अपने अकाउंट्स और रिपोर्ट्स को पब्लिश करे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, आगे वीडियो में हम लोग और भी पार्टनरशिप से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।